तो कहते हैं ना कि अब तो संपत्ति के लिए लोग एक दूसरे को मार भी दें, अब कोई भाई भाई से प्रेम नहीं। तो कहा कि संसार में भाई भाई का कर्तव्य क्या है, विपत्ति को बांटिए संपत्ति को नहीं। जो विपत्ति को बांटे वो है रामचरितमानस, और जो संपत्ति को बांटे वो है सांसारिक जीव। इसलिए वो ब्रह्म और हम जीव है महाराज, क्योंकि हमारे समाज में भाई भाई संपत्ति के लिए मर जाते हैं, और यहाँ संपत्ति नहीं लेना इसके लिए राम और भरत लड़ रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। आजकल तो माता पिता को भी बांट दिया जाता है इस संपत्ति के लिए, एक महीने तू सेवा करना, एक महीने मैं सेवा करूं। धन्य संसार की विडंबना, धन्य संसार का जीव जिसने जन्म दिया, उसकी सेवा तुम कर सकते हो? कर सकते हो? किसी में क्षमता है, किसी में ताकत है कि अपने माता पिता की सेवा कर सके? हम लोग कहते ना कि माता पिता मेरे साथ रहते हैं, ये गलत बात है। हम माता पिता के साथ रहते हैं। बालक कभी इतना बड़ा नहीं होता कि वो माता पिता को रख सके, माता पिता बालक को रखते हैं। यदि ना रखें तो कहाँ जाओगे? संपत्ति तो उन्हीं की बनाई हुई है ना, कहाँ जाओगे यदि नहीं रखेंगे, निकाल देंगे तो? लेकिन माँ बाप होते हैं महाराज, उनका हृदय संतान के प्रति इतना कोमल होता है कि संतान कितने भी कष्ट दे लेकिन वो सहते रहते हैं, हंस के सहते रहते हैं। तो यहाँ विपत्ति को बांटे वो है राम और भरत का चरित्र, और जो संपत्ति को बांटे वो है सांसारिक जीव का चरित्र। हृदय से लगा लिया प्रभु ने, घंटों बीत गए महाराज, लेकिन ये भाव छूट ही नहीं रहा है। दोनों ऐसे एक दूसरे में भाव विभोर हो गए कि छूट ही नहीं रहा। तब निषाद राजगु धीरे से कहते हैं कि प्रभु पूरी समाज पधारी हुई है, अवध की रानियां भी आई हुई हैं और वशिष्ठ जी का भी आगमन हुआ। राम जी ने जैसे सुना तो शत्रुघ्न जी को जानकी जी के पास छोड़ करके राम जी सबके स्वागत के लिए गए। राम जी ने सुंदर सभी के चरणों में प्रणाम किया, वंदना की, और सर्वप्रथम राम जी मिले हैं किससे? कैकेयी माता से, क्योंकि सबसे बाद में मिल लूंगा, लेकिन यदि कैकेयी माता से पहले नहीं मिलूंगा तो वो सोचेंगी कि राम ने भी मुझे दोषी ठहरा दिया। सब उन पर कलंक लगाते हैं, दोष देते हैं, इसलिए यदि पहले मिलूं तो उनके मन का भार कम होगा कि ये काल की गति है, कर्म की गति न्यारी है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो राम जी ने जाकर के यही निवेदन किया कि माँ काल कर्म विधि सिर धरी खोरी, ये काल की गति न्यारी है, इसलिए आप मन में अपने ये बात बिल्कुल मत लाना कि इसमें मेरा दोष है या मैंने राम को बन भेजा। ये काल का कर्म का जो लिखा है ना वो नहीं मिटता है। मैं भगवान कहते हैं जीव को समझाने के लिए, जीव को सही मार्ग दिखाने के लिए राम ने अपने आप को राम बनाया, उस ब्रह्म ने अपने आप को राम बनाया कि मैं ब्रह्म होकर के भी सारे कर्तव्यों को निभाता हूँ, उनका निर्वाहन करता हूँ। तो तू जीव होकर के मत घबराना। रामचरित्र के प्रत्येक चरित्र की लीला यही कहती है महाराज कि राम स्वयं कहते हैं मैं ब्रह्म था, चाहता तो वनवास टाल सकता था, लेकिन यदि मैं टाल देता तो सांसारिक जीव क्या सीखता। इसलिए समस्याएं जीवन में आएंगी, लेकिन उनका समाधान यही है कि धैर्यपूर्वक उन पर चलते रहना चाहिए, बने रहना चाहिए।